हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 19 का 4 प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें हमारी संख्या क्या है 19, का के स्थान पर हम गुणा लगाते हैं और 4 प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में 100 लिखेंगे। अब हम 19 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 19 चौक 76 बट्टे 100। तो 100 का भाग हमें 76 में देना है, तो सबसे पहले हम 76 लिख लेंगे। अब ये देखेंगे कि जो संख्या हमारी 100 है उसमें कितनी जीरो हैं, तो 1, 2, तो पीछे से हम दो संख्या छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। तो 1, 2, तो यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 0.76 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 25% 4800 है वह संख्या ज्ञात करो। तो हम कोई संख्या मान लेंगे, जैसे हमने संख्या क्या मानी है एक्स, तो एक्स का कितना दिया है 25%, कितना दे रहा है 4800। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स गुणा परसेंट हटाएंगे तो 25/100, तो 25 × 25, 25 × 100 बराबर 4800। तो एक्स बट्टे कितना आएगा 4 बराबर 4800। हमें एक्स का मान निकालना है, तो 4 का गुणा इस संख्या में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 4800 गुणा 4। तो जब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0, 0, 8 × 32 = 2, आंसर की 3, 4 × 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, तो 19,002 से हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500 है तो संख्या क्या है। हमसे संख्या पूछ रहा है, तो हम कोई संख्या मान लेंगे, जैसे हम संख्या क्या मान लेंगे x, तो x का कितना दे रहा है 11 सही 1/9%, कितना दे रहा है 3500। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x गुणा 9 का गुणा 11 से करें तो 99, 99 एक जोड़ेंगे तो 100, बट्टे 9, और प्रतिशत की बट्टी में 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगी, तो यहाँ 1, यहाँ क्या बचेगा 9 बराबर 3500। तो इस x का गुणा 1 से हो जाएगा, तो x बट्टे कितना आएगा 9 बराबर 3500। हमें x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालेंगे तो 9 का गुणा किसमें होगा 3500 में, तो 3500 गुणा 9, तो हमारा x का मान कितना आएगा 0, 0, 9 × 45 = 5, आंसर की 4, 29, 27, 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, तो 31,500 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a, इसका मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, a का कितना दिया है 120%, किसके बराबर दे रहा है b के 80% के
बराबर दे रहा है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, चार से बारह तीन बार कट जाएगा, चार से आठ दो बार कट जाएगा। तो यहाँ थ्री ए निकल के आया है, यहाँ टू बी निकल गया, निकल के आया है। तो ये हमारा ए का मान है और ये हमारा बी का मान है। तो ए का मान क्या आया है हमारा दो, और बी का मान क्या निकल के आया है तीन। और हमसे क्या पूछ रहा है, बी प्लस ए, तो दो और तीन, या तीन दो, तो तीन प्लस दो और तीन माइनस दो हमसे पूछ रहा है। तो तीन और दो कितना होगा पाँच, तीन में से दो गया तो कितना बचेगा एक, तो एक का भाग पाँच में देंगे तो कितना आएगा पाँच, तो पाँच हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पी का पी प्रतिशत 36 है तो पी किसके बराबर है। तो यहाँ क्या दिया है, पी का कितना दिया है पी प्रतिशत, और उसका बराबर कितना दिया है 36। तो पी गुणा पी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 बराबर 36, पी का गुणा पी से करें तो पी स्क्वायर बट्टे 100 बराबर 36। हमें पी स्क्वायर का मान निकालना है, तो 100 का गुणा हम किससे करेंगे 36 से, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3600। तो 3600 किसका वर्गमूल होता है 60 का, तो पी बराबर कितना आएगा 60। 60 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना आएगा या कितना लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तुम्हारी संख्या क्या दी है 5:4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5/4, हमें इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो 4 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बच जा रहा है 25 बार, और 25 गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125%। तो 125% हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो इसको हमें प्रतिशत में निकालना है। तो क्या दे रहा है 1 घंटा और 45 मिनट, और हमसे एक दिन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो एक घंटा में कितनी मिनट होती हैं, तो इसको हम सभी को मिनट में चेंज करेंगे। तो एक घंटा में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट प्लस 45 मिनट, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, 24 को हम मिनट में चेंज करेंगे तो इसमें हम 60 से गुणा करेंगे गुणा 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 और 45 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105, 24 गुणा 60 कितना आएगा 1440 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दो से 10 पांच बार कट जाएगी, दो से 144 72 बार कट जाएगी। तो पांच गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 25 5 1 5 72, तो 525 में हम 72 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7.291%।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।